आप सबका यहाँ बहुत बहुत स्वागत। थोड़ा मेरा प्रोग्राम लेट चल रहा है, आपको कष्ट हुआ थोड़ा, इसके लिए मैं शुरुआत में ही माफ़ी मांगता हूँ आपसे। मगर आज मैं आपको मज़े की बात बताने आया हूँ। सबसे पहले, ये साधारण चुनाव नहीं है, क्योंकि इस चुनाव में पहली बार, आज़ादी के बाद पहली बार एक ऐसी पार्टी है जो संविधान को ख़त्म करना चाहती है। उनका लक्ष्य सिर्फ चुनाव जीतने का नहीं है, उनका लक्ष्य हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को, हमारे संविधान को ख़त्म करने का है। और हमारा लक्ष्य, कांग्रेस पार्टी का लक्ष्य, इंडिया अलायंस का लक्ष्य संविधान को बचाने का है और लोकतंत्र को बचाने का है। भाइयों और बहनों, इस देश में जो भी गरीबों को मिला है, जो भी प्रगति हुई है, पिछड़ों को, दलितों को, आदिवासियों को, जो भी गरीब लोगों को मिला है, वो संविधान के कारण मिला है, उसका वही कारण है। अगर ये लोग संविधान को ख़त्म कर देंगे तो हिंदुस्तान में गरीबों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए कुछ नहीं बचेगा। तो सबसे पहले आपसे ये कहना चाहता हूँ कि पहली बार ऐसा चुनाव हो रहा है कि बीजेपी ने साफ सबसे सबके सामने कहा है, उनके एमपीओं ने साफ कहा है कि अगर हम चुनाव जीते तो हम हिंदुस्तान के संविधान को बदल देंगे। और मैं आपसे कह रहा हूँ, उनसे कह रहा हूँ, ऐसी कोई शक्ति नहीं है दुनिया में जो हिंदुस्तान के संविधान को बदल सके। अब देखिए, पिछले 10 साल नरेंद्र मोदी ने 22 लोगों को, सिर्फ 22-25 लोगों को लाखों करोड़ रुपए दिए हैं। 16 लाख करोड़ रुपए नरेंद्र मोदी जी ने हिंदुस्तान के सबसे अमीर 25 लोगों को दिए हैं कर्जा माफ करके। 16 लाख करोड़ रुपए कितने होते हैं मैं आपको बता देता हूं। जितना पैसा मनरेगा को 24 साल चलाने के लिए लगता है, या जैसे हमने कर्जा माफ किया था किसानों का यूपीए ने, तो अगर आप वैसे अगर 24 बार कर्जा माफ करो किसानों का, उतना पैसा नरेंद्र मोदी ने 22-25 लोगों को दिया है, आप सोच ही नहीं सकते। 24 साल का मनरेगा का पैसा 22 लोगों को। भाइयों और बहनों, हालत यह हो गई है कि जितना पैसा 22 लोगों के पास है, उतना ही पैसा 70 करोड़ हिंदुस्तानियों के पास है। एक तरफ नरेंद्र मोदी के 22 मित्र और दूसरे तरफ 70 करोड़ हिंदुस्तानी, दोनों के पास एक ही जितना धन है। दूसरा आंकड़ा देता हूं, हिंदुस्तान के 1% लोगों के पास, 1% लोगों के पास हिंदुस्तान का 40% धन है। यह हालत है, इसीलिए इतनी बेरोजगारी फैल रही है। उन्होंने नोटबंदी की, आपसे कहा काला धन मिटा दूंगा, और पूरा का पूरा फायदा उन्हीं 22-25 लोगों का हुआ। उसके बाद जीएसटी, गलत जीएसटी लागू की, 5 अलग अलग टैक्स,
किसानों पर टैक्स लगा दिया। पता नहीं आपको मालूम या नहीं, जितनी जीएसटी आप देते हो उतनी ही जीएसटी अदानी देता है। आप जानते हो इस बात को? नहीं जानते? आप सिर हिला रहे हो। वो आपने जो शर्ट खरीदी वो कितने की खरीदी आपने? 200। अगर अदानी वही शर्ट खरीदता तो जितनी जीएसटी आपने अपने जेब से दी उतनी ही जीएसटी वो देता। आपकी आमदनी हजारों में है, उसकी आमदनी हजारों करोड़ों में है, और जितनी जीएसटी आप देते हो उतनी जीएसटी वो देता है। अब सवाल उठता है जीएसटी का, जो आपका धन है, जो आपके जेब में से निकल रहा है, उसका होगा क्या? कहां जाएगा वो धन? नरेंद्र मोदी जी ने साफ कर दिया कि उनके 10 सालों में वो पूरा का पूरा पैसा 20-25 लोगों के हाथ में उन्होंने दे दिया। उन्होंने अरबपति बनाए हैं, 30-40 उन्होंने अरबपति बनाए हैं। अब मैं आपको बताता हूं कांग्रेस क्या करने जा रही है। उन्होंने 20-25 अरबपति बनाए, हम करोड़ों लाखपति बनाने जा रहे हैं। अब आप कहोगे कैसे? मैं आपको यह बताने आया हूं कि कांग्रेस पार्टी, इंडिया गठबंधन चुनाव के बाद करोड़ों लाखपति कैसे बनाने जा रही है। आप जानते हो कि हिंदुस्तान में महिला भविष्य की देखभाल करती है। यहां पुरुष बैठे हैं, महिलाएं भी बैठी हैं, देखिए ताली बजा रही हैं। अब देखिए 21वीं सदी में स्त्री और पुरुष दोनों जॉब करते हैं, सही बात है ना? ठीक है, 8 घंटे की 10 घंटे की जॉब होती है, जॉब के लिए दोनों को पैसे मिलते हैं, मिलते नहीं मिलते? ठीक है, मगर हिंदुस्तान की महिला 8 घंटे घर से बाहर काम करती है और फिर 8 घंटे घर में काम करती है, सही? मतलब डबल काम करती हैं आप लोग। देखो महिलाएं ताली बजा रही है, पुरुष ताली नहीं बजा रहे। मगर सवाल यह है कि जो आप घर में काम करती हैं, भोजन पकाती हैं, बच्चों की देखभाल करती हैं, उसके लिए आपको कोई पैसा नहीं मिलता, कोई कॉम्पेंसेशन नहीं मिलती? कभी मिली आपको? नहीं मिली ना, वो तो आप काम फ्री में करती हैं। तो इसीलिए कांग्रेस पार्टी महालक्ष्मी योजना ला रही है। अब महालक्ष्मी योजना क्या है मैं आपको बता देता हूं। हिंदुस्तान के सारे गरीब परिवारों की लिस्ट बनेगी, हर जात के, दलित, ओबीसी, गरीब, जनरल कास्ट लिस्ट बनेगी, और उस लिस्ट में से हर परिवार से एक महिला चुनी जाएगी। उसमें बीड़ी वर्कर्स होंगी, उसमें किसान के परिवार होंगे, उसमें मजदूरों के परिवार होंगे, छोटे कारीगर होंगे, और उन महिलाओं को, करोड़ों महिलाओं को कांग्रेस पार्टी साल के 1 लाख रुपए बैंक अकाउंट में डाल देगी।
साल के 1,00,000 रुपए, महीने के 8,500 रुपए, खटाखट 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 अंदर। अब यहां पे पुरुष बैठे हैं, सबसे पहले देखिए पैसा महिलाओं को जाएगा, मगर मैं जानता हूं फायदा आप लोगों को भी होगा, ठीक है। मगर युवा कहेंगे कि आपने हमारे लिए क्या किया, नरेंद्र मोदी ने हमें बेरोजगार कर दिया, हिंदुस्तान का पूरा धन अदानी को दे दिया, नोटबंदी कर दी, जुमला पार्टी 2 करोड़ रोजगार देने थे, झूठ था वो, 15,00,000 रुपए की बात की, कोविड आया थाली बजवा दी, पकौड़े बनवा दिए, तो आप क्या करोगे? अब मैं आपको बताता हूं, अमीर घर के बच्चों को, ये जो बड़े बड़े बिजनेस वाले हैं इनके बच्चों को जॉब मिलने से पहले ये टेम्पररी नौकरी दिलवाते हैं, इसको अप्रेंटिसशिप कहते हैं, इंटर्नशिप कहते हैं। प्राइवेट सेक्टर में, पब्लिक सेक्टर में, सरकार में इनको एक्सपीरियंस के लिए काम दिया जाता है, जैसे अदानी की कंपनी में उसका बेटा काम करता है। मगर यह सुविधा हिंदुस्तान के बेरोजगार युवाओं को नहीं मिलती। सड़क पे आप घूमते हो, रोजगार ढूंढते हो, पिछले 10 साल में नहीं मिला। तो अब हम एक नई योजना ला रहे हैं, अप्रेंटिसशिप का अधिकार। अभी अभी ताली मत बजाओ, अभी मैंने समझाया नहीं है। अप्रेंटिसशिप का अधिकार का मतलब, हिंदुस्तान में कोई भी ग्रेजुएट, डिप्लोमा होल्डर, यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट, कॉलेज ग्रेजुएट, इनमें से कोई भी सरकार से यह अधिकार मांग पाएगा, और जिस दिन उसने यह अधिकार मांगा उस दिन सरकार को उसे पहली साल की नौकरी पक्की करके, गारंटी करके देने पड़ेगी। जैसे मनरेगा में जॉब मांगा जा सकता है, काम मांगा जा सकता है, मगर मना नहीं किया जा सकता, वैसे ही हिंदुस्तान के ग्रेजुएट्स को पहली साल की नौकरी पक्की। अब पहली साल की नौकरी में क्या होगा और कहां होगी नौकरी? पब्लिक सेक्टर यूनिट्स में, HAL, BHEL, इंडियन ऑयल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, प्राइवेट कंपनियों में, सरकारी ऑफिसेज में, सरकारी अस्पतालों में ये नौकरियां दी जाएंगी। करोड़ों युवाओं की ट्रेनिंग होगी 1 साल की, और उस साल के लिए 1,00,000 रुपए युवा के बैंक अकाउंट में जाएगा। 8,500 रुपए महीने के, 1,00,000 रुपए साल के, हर ग्रेजुएट के बैंक अकाउंट में कांग्रेस पार्टी डालने जा रही है। तो इस प्रकार से हम करोड़ों लाखपति बनाने जा रहे हैं। अब यहां किसान बैठे हैं, इन दोनों योजना का आपका फायदा होगा, मगर हम वहां नहीं रुके। आपने नरेंद्र मोदी से 2 चीजें मांगी, कर्जा माफी और कानूनी मिनिमम सपोर्ट प्राइस। हर किसान जानता है कि जब उसे अपनी फसल बेचनी पड़ती है
तो जादू से फसल का दाम गिर जाता है, जादू से फसल दाम गिर जाता है और किसान को कभी भी सही दाम नहीं मिलता। बाकी लोग अपना प्रोडक्ट बेचें, उनको सही दाम मिलता है, कोई टूथपेस्ट बेचता है, कोई जूस बेचता है, कोई कुछ और बेचता है, चिप्स का पैकेट बेचता है, उसको सही दाम मिलता है। मगर जो इस देश की रीढ़ की हड्डी है, जो 24 घंटा खून पसीना देता है, उसे सही दाम नहीं मिलता। तो हमने दो काम किसानों के किए हैं, करने जा रहे हैं। पहला काम, हिंदुस्तान के किसानों का हम कर्जा माफ करेंगे। ये अभी आप ताली जल्दी बजा गए, ये कर्जा माफी ये शुरुआत है। मगर हम सिर्फ कर्जा माफी नहीं करेंगे, हम किसानों के लिए एक कमीशन रखेंगे और इस कमीशन का काम जब भी किसानों को कर्जा माफी की जरूरत होगी, यह कमीशन सरकार को कहेगा और सरकार किसानों की कर्जा माफ, किसानों का कर्जा माफ करेगा। एक बार नहीं, जितनी बार आपको कर्जा माफी की जरूरत होगी उतनी बार यह कमीशन कर्जा माफी करवाएगा। और पहली बार हिंदुस्तान की हिस्ट्री में कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया है कि कानूनी मिनिमम सपोर्ट प्राइस हिंदुस्तान के किसानों को दी जाएगी। भाइयों और बहनों, न्याय होना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी ने हिंदुस्तान को अन्याय का कैपिटल बना दिया है। हर गरीब जानता है कि जितना अन्याय आज हिंदुस्तान में हो रहा है उतना शायद पहले कभी नहीं हुआ, अंग्रेजों के समय भी नहीं हुआ। मैं सिर्फ एक बात कह रहा हूं, अगर अदानी जैसे व्यक्ति का कर्जा माफ हो सकता है और अगर नरेंद्र मोदी अदानी जैसे लोगों का कर्जा माफ करेगा तो कांग्रेस पार्टी किसानों का, मजदूरों का, दलितों का, गरीबों का कर्जा माफ करेगी। अगर नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि किसानों का कर्जा माफ ना हो तो फिर अरबपतियों का भी कर्जा माफ नहीं होना चाहिए। जो उनके लिए होता है वो किसान के लिए होना चाहिए, जो उनके बेटे के लिए होता है वो गरीबों के बेटों के लिए होना चाहिए। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं। और नरेंद्र मोदी जी का काम आपके ध्यान को इधर उधर करने का है। घबराए हुए हैं, डर गए हैं, क्योंकि जानते हैं कि इलेक्शन हाथ से जा रहा है और इलेक्टोरल बॉन्ड्स में इतनी चोरी हुई है कि इलेक्शन के बाद उनकी मुश्किल हो जाएगी। तो घबराहट में है, तो एक के बाद एक झूठ बोल रहे हैं। वो जानते हैं कि हिंदुस्तान की जनता बात समझ गई है, वो जानते हैं कि हिंदुस्तान की जनता इस चुनाव में संविधान की रक्षा करने के लिए खड़ी हो गई है और वो जानते हैं कि हिंदुस्तान की जनता समझ गई है कि नरेंद्र मोदी जी अरबपतियों के नेता हैं, गरीबों के नहीं।
अब आखिरी बात आपको कहना चाहता हूं, ये आपने मीडिया के मित्र देखे, ये देखे आपने, ये देखो काले चश्मे पहने स्माइल कर रहे हैं, इनको इनको आपने कभी भी किसानों की बात करते हुए सुना है, देखा है? कोई मतलब मजदूर मर जाए, भूखा मर जाए, कभी आपने टीवी पे देखा? कभी आपने इनके एंकरों को बेरोजगारी के बारे में बोलते हुए देखा, महंगाई के बारे में, किसानों के बारे में? ना, क्योंकि ये अच्छा, इनकी गलती नहीं है जो बेचारे यहां खड़े हैं, इनकी गलती नहीं है क्योंकि इनका कंट्रोलर ऊपर है, ये बेचारे सैलरी लेते हैं, इनको भी मतलब घर चलाना है, तो इनकी गलती नहीं है। हाँ, एक दो आजाद हो सकते हैं मगर बाकी गुलाम हैं। आजकल के हिंदुस्तान में, आजकल के हिंदुस्तान में पता नहीं लगता कौन सा मीडिया वाला आजाद है, कौन सा गुलाम है। तो ये आपकी बात तो कभी करते नहीं है। तो मैंने एक बात चेक की, मैंने कहा देखो देखते हैं, तो ये जो मीडिया कंपनीज है ना, इनके मालिकों की मैंने लिस्ट निकाली, मैंने कहा मैं देखता हूं ये हैं कौन लोग, उनकी लिस्ट निकाली, और इनके जो एंकर्स हैं, बड़े बड़े एंकर्स हैं, नाम आप जानते हो, उनकी लिस्ट निकाली, और आप हैरान हो जाओगे, लिस्ट में एक दलित नहीं था, एक आदिवासी नहीं था, एक ओबीसी नहीं था, एक गरीब जनरल कास्ट का नहीं था। ये आपके हैं ही नहीं। 90% हिंदुस्तान का तो एक भी आदमी नहीं है इनमें। पिछड़े वर्ग के कितने लोग हैं हिंदुस्तान में? चुप हो गए सब। अच्छा, हिंदुस्तान में दलित कितने? 15%। आदिवासी कितने? 8%। पिछड़े वर्ग के लोग कितने? कोई नहीं जानता, मगर कम से कम 50%, कम से कम 50, 15 और 8 कितने हुए? 73। उसमें 15% माइनॉरिटी जोड़ दीजिए और 5% गरीब जनरल कास्ट जोड़ दीजिए, कितने हुए? 90+ हो गए। 90% आबादी में से एक आदमी नहीं मिलेगा आपको मीडिया में, एक नहीं है, ये आपके हैं ही नहीं। ये अदानी के हैं, ये मोदी के हैं, ये अंबानी के हैं, ये आपकी बात थोड़ी करेंगे। अच्छा ठीक है, मीडिया छोड़ो, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी 200 कंपनी की लिस्ट निकाली मैंने, उसमें बता दो, उस लिस्ट में, उनकी मालिकों की लिस्ट में मुझे बता दो मराठा कितने, धनगर कितने, खटीक कितने, यादव कितने, बता दो। जीरो, जीरो। 50% में से कोई नहीं,
15% में से कोई नहीं, 8% में से कोई नहीं, 90% में से कोई नहीं, सारे के सारे सीनियर मैनेजमेंट में कोई नहीं। अच्छा पता नहीं, शायद हिंदुस्तान के 90% लोग कहे नहीं हमें मीडिया नहीं चाहिए, हमें हिंदुस्तान का कॉरपोरेट इंडिया में भी भागीदारी नहीं चाहिए, तो ठीक है फिर सरकार को देखते हैं। हिंदुस्तान की सरकार को 90 लोग चलाते हैं, आईएएस अफसर हैं, बजट को वो बांटते हैं, हर रुपया बजट का कहां जाता है वो निर्णय लेते हैं, 90 लोग लेते हैं। महाराष्ट्र में कितना पैसा जाएगा, सड़कों में कितना जाएगा, सेना को कितना मिलेगा, अग्निवीर होगा या नहीं होगा, ये सारे के सारे निर्णय ये 90 लोग लेते हैं। मुझे बताओ 90 में से पिछड़े वर्ग के कितने, 3, दलित कितने, 1, आदिवासी कितने, 1। और अगर आप बात समझना चाहते हो तो अगर हिंदुस्तान की सरकार बजट में 100 रुपए खर्च करती है तो ओबीसी, दलित, आदिवासी अफसर 6 रुपए 10 पैसे का निर्णय लेते हैं। आपकी आबादी 90%, आपकी भागीदारी 100 में से 6 रुपए 10 पैसा। और फिर नरेंद्र मोदी 24 घंटे घूमता रहता है, कहता है कि मैं ओबीसी हूं, और मैंने जाति जनगणना की जैसे बात छेड़ी, ये इसको बैठाया गया है, जैसे ही मैंने कहा कि देश में जाति जनगणना होना चाहिए, देश का एक्सरे होना चाहिए, दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए, नरेंद्र मोदी कहते हैं हिंदुस्तान में तो कोई जात है ही नहीं, 2 ही जात हैं, एक अमीर है और एक गरीब है। अच्छा अगर 2 ही जात हैं तो भैया आप कहां के ओबीसी बन गए? तो जैसे ही हमारी सरकार बनेगी जाति जनगणना हम पूरे देश में करवा देंगे, और इकोनॉमिक सर्वे और संस्थाओं का सर्वे, मतलब किसके पास कितना धन है, पिछड़ों के पास कितना धन है, पिछड़ों की क्या भागीदारी है, हर वर्ग की आबादी कितनी है, भागीदारी कितनी है, मीडिया में कितने हैं, कॉरपोरेट इंडिया में कितने हैं, प्राइवेट अस्पताल के मालिकों में कितने हैं, यह काम हम करेंगे। अब जैसे ही मैंने ये देश के एक्सरे की बात की वो नरेंद्र मोदी कांपने लग गया, जैसे ही मेरे, और उसकी आदत है जैसे उसको डर लगता है ना वो झूठ बोलना शुरू कर देता है, जैसे ही उसको डर लगता है वो कभी पाकिस्तान की बात करेगा, कभी चाइना की बात करेगा, तो एक के बाद एक झूठ बोल रहा है, मगर इस बार नहीं निकल पाएगा। पता नहीं आपने सुना नहीं सुना, वो एक योजना लाए इलेक्टोरल बॉन्ड्स वाली, सुनिए आपने, उसमें क्या किया, सबसे पहले कहते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड से हिंदुस्तान में जो भ्रष्टाचार है वो खत्म होगा, और फिर क्या किया,
कहते हैं कि जो भी पैसा देना चाहता है किसी भी राजनीतिक पार्टी को बिना नाम दिखाए पैसा दे सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा भैया ये तो कानूनी नहीं है, इसको रद्द करो, और सुप्रीम कोर्ट ने उनकी स्कीम को रद्द कर दिया। उसके बाद नरेंद्र मोदी और सरकार जिन लोगों ने उनको पैसा दिया उनके नाम नहीं रिलीज करना चाह रही। सुप्रीम कोर्ट ने कहा भैया जिन्होंने आपको पैसा दिया उनके नाम दो और कौन सी तारीख पे पैसा दिया वो बता दो। स्टेट बैंक पे दबाव डाला, वो ये इंफॉर्मेशन रिलीज ही नहीं कर रहे थे, फिर इंफॉर्मेशन रिलीज होती है पता लगा। एक दिन किसी कंपनी पे सीबीआई की रेड होती है, कुछ ही दिन बाद वही कंपनी बीजेपी को करोड़ों रुपए देती है, सीबीआई की इंक्वायरी खत्म हो जाती है। बड़ा कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है, हजारों करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है और कॉन्ट्रैक्ट मिलने के 10-15 दिन बाद वो कंपनी बीजेपी को हजारों करोड़ रुपए पकड़ा देती है। सड़क पे जो एक्सटॉर्शन कहा जाता है ना, जो सड़क पे एक्सटॉर्शन गुंडे एक्सटॉर्शन करते हैं ना, हाँ ये उन्होंने इंटरनेशनल लेवल पर शुरू कर दिया है और जनता से कह रहे हैं कि मैं राजनीतिक फंडिंग के सिस्टम को साफ कर रहा हूं। आप कैसे साफ कर रहे हो? अगर आप साफ कर रहे होते तो आप कहते भैया जो भी पैसा दे रहा है नाम सामने रखो, कौन से दिन दिया, किसने दिया, हिंदुस्तान की पब्लिक को बताओ। मगर नहीं, मगर देश समझ गया है। और जैसे मैंने आपको शुरुआत में कहा, लड़ाई संविधान को बचाने की है और अगर नरेंद्र मोदी अरबपतियों को पैसा दे सकता है, उनका कर्जा माफ कर सकता है, तो कांग्रेस हिंदुस्तान की महिलाओं को, हिंदुस्तान के युवाओं को, हिंदुस्तान के किसानों को पैसा दे सकती है और देगी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।